नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम रीट के बारे में बात करने वाले हैं और पिछले 20-25 दिनों से जो भी आप विद्यार्थियों के द्वारा जो रीट से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक समान रूप से रखते हुए जो सबके समान क्वेश्चन थे कॉमन, उन सबको मैंने आपके सामने रखा है और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर वीडियो के नीचे रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको क्लिक करें और पास में जो एक बेल आइकन बना होगा उसको भी क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों का रीट से संबंधित वो ये है कि सर रीट होगा या आरटेट होगा। इन दोनों में अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है विद्यार्थियों में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी रीट होगा या आरटेट होगा इस तरह की बातें जो है वो कहीं से भी कुछ भी नहीं है। कोई सरकार के द्वारा इस चीज़ पे नहीं किया जा रहा है कि हम आरटेट करवाएंगे या हम रीट करवाएंगे, किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो इस रूप में नहीं है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस के चलने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ हैं। और वो प्रोसेस क्या है कि लास्ट ईयर जैसे रीट का एग्ज़ाम हुआ था उसी प्रकार से उसी पैटर्न पर वही एग्ज़ाम इस बार फिर से लिया जाएगा। तो कोई न्यूनतम से न्यूनतम कुछ हो गया चेंज या तो भले ही अलग बात है, लेकिन अभी जो पॉसिबिलिटी है और जो यही है, आरटेट की कोई संभावना है नहीं इसमें। तो अभी जो एग्जाम होगा वो रीट के आधार पर ही होगा, आप रीट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। दूसरी बात, अगर आरटेट हो भी जाए तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आप मान लीजिए आपको पता चल भी जाए कि रीट होगा या क्या आरटेट होगा, लगभग सिलेबस समान है, तो अगर आप रीट की अच्छे से तैयारी करते हैं 4-5-6 महीने में जाकर के अच्छे से तैयारी होगी, तो अगर आरटेट होता भी है तो भी वो भी हालांकि वो सिर्फ पास करने के लिए होगा, क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम तो उसके बाद आपको फिर भी देना होगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी रीट की तैयारी करें और अगर भविष्य में कुछ होता भी है आरटेट जैसा कुछ तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। तो इस क्वेश्चन को अपने मनोमस्तिष्क से पूरी तरह निकाल दें कि रीट होगा या आरटेट होगा। अभी आपको एक ही चीज़ माननी है और वो है रीट, जो कि अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया कि सर परीक्षा कब से मतलब है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। देखिए आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा घोषणा की जा चुकी है कि 21,000 जो है वो हम निकालेंगे। अब इस पोस्ट में इसको अप्लाई कब किया जाएगा, तो अगले चाहे 2 महीने हो चाहे 3 महीने हो, कभी भी आपके सामने इसका नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लाया जा सकता है। अगर बिल्कुल ही कोई घोषणा ही नहीं होती या जैसे इस तरह की सीट नहीं होती तो फिर ये होता कि पता नहीं कब होगा, लेकिन सरकार की ओर से घोषणा हो चुकी है। सरकार एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अनुमति भेजेगा कि साहब ये लो, ये जो आपका कार्यक्रम है ये चालू करो, शुरुआत करो, उसके बाद बोर्ड के द्वारा टाइम नहीं लगाया जाएगा। और नेक्स्ट डे अचानक आपको न्यूज़पेपर में ये पूरी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो अगला चाहे 2 महीने हो 3 महीने हो, कभी भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब तीसरा पॉइंट है कि इसकी तैयारी कैसे करें। देखिए जो विद्यार्थी वैकेंसी के इंतजार में बैठे रहते हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, पता नहीं कब आएगी, तो वो विद्यार्थी एक प्रकार से अपने को इस फील्ड में जो कि कंपटीशन में है औरों से कम ही कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी करना और एक वैकेंसी निकलने से पहले अपना सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। और सिलेक्शन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा उसी विद्यार्थी की होती है जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा हो, वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करता। जब तक वैकेंसी आती है तब तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, आप नोट्स बना चुके हैं, अब आपको केवल रिवीजन करना है, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, यही काम बचा है, बस शाइनिंग का काम बचा है, फिनिशिंग का। और वही विद्यार्थी लास्ट में सिलेक्ट होता है। तो इसलिए कभी भी वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करें। अगर आपको रीट की तैयारी करनी है तो ये बना के चले कि कल सुबह से हमें कंटिन्यू हमारी तैयारी की शुरुआत करनी है और इसको स्टार्ट कर दें।
वेट नहीं करें वैकेंसी का, वैकेंसी आएगी और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में ये है कि नोट्स तैयार करें, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी आप कंटेंट या मैटर पढ़ते हैं, अभी जो समय है ये सबसे बेस्ट समय इस चीज़ का है कि आप एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ें। बुक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, ये कंटिन्यू इस चैनल पे आपको बता चुके हैं और बहुत बार बताया है, कई वीडियो में बताया है, अलग से वीडियो बनाया है कि किसी भी किताब को पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरह से उसके नोट्स तैयार करने होते हैं, यही सबसे बेहतरीन समय होता है। अब मान लीजिए एग्ज़ाम के अगर 2.5 से 3 महीने बचे हों और उससे पहले हमने कभी नोट्स बनाए नहीं, तो उस समय अगर नोट्स बनाएंगे तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखने में उस समय बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अभी तरीका ये है कि आप किताबें पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें और उन्हीं किताबों में से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, वो सब आप नोट्स के रूप में अपना तैयार करें। यही आपके भविष्य में आगे काम आने वाला है। एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा यही नोट्स काम आते हैं, खुद के बनाए हुए। इसके बाद में आता है कि देखिए आपके 5 जो हैं वो इसमें रीट के एग्ज़ाम में हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। 150 क्वेश्चन हैं जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के, और 30-30 क्वेश्चन जो उसमें भाषा के आते हैं, लैंग्वेज के। कोई हिंदी चूज करता है, कोई संस्कृत, कोई इंग्लिश, कोई कुछ, आपको 2 भाषाएँ चूज करनी पड़ती हैं। और SST के विद्यार्थी हैं तो उनके 60 क्वेश्चन जो हैं वो GK से संबंधित हैं। साइंस के विद्यार्थी हैं या मैथ के हैं तो उनके लिए साइंस मैथ के क्वेश्चन आते हैं अलग से 60 क्वेश्चन। और जो रीट लेवल फर्स्ट है उसमें शुरू के 3 तो सेम हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 2 भाषाएँ और मैथ, और इसके अलावा पर्यावरण। अब इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, हालांकि पहले के जब लास्ट रीट की वैकेंसी आई थी उसमें इन चीज़ों के बारे में खूब आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सबसे बड़ा योगदान है रीट में सिलेक्शन में, क्योंकि अब वो जमाने गए, जैसा कि आपने लास्ट बार भी पेपर देखा था, डायरेक्ट फैक्ट से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और अप्लाइड क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिस विद्यार्थी का जितना इसमें अभ्यास होगा और जितना गहराई से डीपली इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा उतना ही वो एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा। तो आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस सब्जेक्ट का। अब ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपको कैसे पढ़ना है, तो इसी यूट्यूब चैनल पे पूरे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के रीट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाए हुए हैं, लगभग 65-70 वीडियो हैं। और यूनिट 5, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ भरे पड़े हैं। तो हमारी जो भी इनसे संबंधित जो प्लेलिस्ट है उन पे जाइए, आपको सारे ये टॉपिक मिलेंगे। अब आपको इनसे वीडियो से पढ़ना कैसे है, शुरू से निकालिए, जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर निकालिए, उसको अच्छे से पढ़िए, पूरे वीडियो को एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। देखिए बहुत ज़्यादा जो अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को पूरा कभी नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इनका वीडियो का वॉच टाइम है वो आ जाता है 20 मिनट का। अगर कोई वीडियो है तो उसका वॉच टाइम जो आता है एवरेज, जैसे मान लीजिए 20 मिनट के वीडियो को 50,000 विद्यार्थियों ने ओपन किया, तो उन 50,000 विद्यार्थियों का जो एवरेज टाइम है वो 20 मिनट के वीडियो का आता है 6 से 8 मिनट के बीच। यानी इसका मतलब है कोई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है, और कोई विद्यार्थी अधिकतर ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको स्किप कर करके 20 मिनट को 6-7 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया। अब जिसने 6-7 मिनट में कंप्लीट किया है, क्या उस चीज़ को कभी समझ पाएगा? वो कभी नहीं समझ पाएगा। तो वीडियो के अंदर एक एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, वीडियो को पूरा सुने, और अच्छे से सुनने के बाद अब आपके पास जो पुस्तक है उसको भी पढ़ें। कोई भी किताब ले आइए, मार्केट में कई किताब हैं साइकोलॉजी से संबंधित हैं। अब जो वीडियो में आपने सब सुना है वो सब आप नोट्स के रूप में लिखिए अपना, जो जो वीडियो मैंने आपको बताया है वो एक एक चीज़ आप नोट्स के रूप में लिखिए। और पिछली बार भी बहुत से विद्यार्थी थे जिन्होंने नोट्स के रूप में पूरे वीडियो को बनाया, केवल वीडियो के मैटर से ही उनके पास 150+ पेज से भी ज़्यादा एक शानदार बुकलेट तैयार हो गई थी नोट्स की, जिसमें इतने एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो इस तरह का अगर आप खुद तैयार करेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा, वीडियो का मैटर आ जाएगा सारा इसमें। फिर उसके बाद आप बुक से कुछ पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण लगे उनको साथ साथ इसमें लिखते जाइए रजिस्टर में,
उसके बाद मॉडल पेपर बने हुए हैं, हर यूनिट के बाद में बना रखा है टेस्ट पेपर 50-50 क्वेश्चन का, जो कि हाथों से बनाए हुए क्वेश्चन है, मैटर में से बनाए हुए क्वेश्चन हैं। तब जाकर के 2-2.5 महीने के अंदर आपका ये सब्जेक्ट बहुत मजबूत है। और एक दिन का एक वीडियो देखें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में, 60 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी साइकोलॉजी बहुत शानदार तैयार हो जाएगी। उसके बाद जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं तो 9th से 12th क्लास की एक किताब आती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, आप उसको पढ़ सकते हैं, एक ही किताब आती है, वो बहुत शानदार किताब है। इसके अलावा अगर आप मार्केट से कोई और गाइड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई पुस्तक लेना चाहें तो। इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर ये है कि आपको 6th से 8th क्लास तक की जो अंग्रेजी है उसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें लेनी है और उसका एक एक शब्द अच्छे से पढ़ना है। चाहे मैथ की बात हो तो भी आपको 6th से 8th क्लास तक की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से उनके क्वेश्चन सोल्व करें। इसके बाद में देखिए, जो SST के विद्यार्थी हैं तो SST के विद्यार्थियों के लिए 6th से 10th क्लास तक की तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की किताबें, ये आपको एक एक शब्द अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद में 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं जैसे हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, तो उनके वो टॉपिक जो आपके SST के सिलेबस में दे रखे हैं यूनिट में, उनको आप उस पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आपकी इतनी शानदार तैयार हो चुकी होगी कि उसके बाद केवल आपको रिवीजन करना है। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे पिछली बार रीट का एग्ज़ाम था SST का, उसमें जो एक क्वेश्चन आया था जिसमें महाराणा प्रताप का कोई पता नहीं घोड़े या हाथी का नाम पूछा हुआ था, अब शायद या तो हाथी का पूछा था या घोड़े का पूछा था। अब उसमें विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूज हो गया था उस क्वेश्चन में कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद था, या उल्टा पुल्टा याद हो गया कि घोड़े का नाम कहीं राम प्रसाद हो कहीं हाथी का नाम चेतक हो, इस तरह से कन्फ्यूज हो गए इस क्वेश्चन में। तो इतने इजी क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूज हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हमने ढंग से स्टडी नहीं की, केवल उनको पढ़ा है, रिवीजन कर लिया, किताबें जो आंखों से निकाल ली लेकिन याद नहीं किया, तो इसलिए वहाँ घोड़े और हाथी के नाम में कन्फ्यूज हो गए। तो ये चीज़ें तब होगी जब आप इस चीज़ को स्थायी रूप से याद करेंगे, और स्थायी याद होने में समय लगता है, एक दिन में 2 दिन में स्थायी याद नहीं होती है, महीने लगते हैं। जब आप किसी चीज़ को बार बार सैकड़ों बार रिपीट करेंगे तब वो जाकर के दिमाग में स्थायी रूप से याद होगी। इसके बाद में देखिए, एक आती है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों के लिए आपको इनकी इनमें से किसी किताब में शिक्षण विधियाँ आपको नहीं मिलेगी। आप जैसे मार्केट से कोई भी गाइड वगैरह है या शिक्षण विधियों के लिए कोई भी बुकलेट आती है, कई बुकलेट आती है 25-25 पेज की, 40-50 पेज की, तो वो जो है आप ये इसके लिए शिक्षण विधियों के लिए अलग से है कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन विद्यार्थियों का ये था कि हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ें या NCERT की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा हुई थी कि पूरे देश में एक ही किताबें चलेगी, NCERT की है। राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, उनमें मिस्टेक भी बहुत होती है, तो कई और भी कई कारण बताए गए थे। तो विद्यार्थियों में ये डाउट है कि हमें RBSC की बोर्ड किताब पढ़नी है या NCERT की पढ़नी है। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो है कहाँ पर, राजस्थान में। दूसरी बात, अभी ये जो बुक्स वाली पॉलिसी है कि बुक्स जो NCERT लागू होगा सबका एक ही पैटर्न, ये अभी तो लागू होने वाला है नहीं। नेक्स्ट सेशन जो है जुलाई आएगा, तो जुलाई तक तो सबसे ज़्यादा संभावना ये है कि आपका रेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तो इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल जो है इस वैकेंसी के लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही किताबें जो हैं इनको ही पढ़ें, इनको ही ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है आपको। इतनी देर से आपको मैं जो भी बता रहा हूँ वो सब इसी के बारे में बता रहा हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट, एक न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके बारे में भी कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन है, हालांकि इस पॉइंट का अलग से वीडियो अभी मैंने बना दिया था 4-5 दिन पहले, जिसमें आपको ये बताया था कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जैसा कुछ भी फाइनल नहीं है, क्योंकि खुद जो अपने आप में जो ये पॉलिसी है नई शिक्षा नीति 2019, ये खुद अपने आप में अभी फाइनल नहीं है। ये तो एक मसौदा है जो सबके सामने लाया गया था एक बार, तो अभी जो ये खुद भी फाइनल नहीं है, और अभी ऐसे हाथों हाथ लागू ऐसे नहीं होता कि रातों रात लागू हो गया और नए पैटर्न से हो गया, अभी इसमें बहुत समय लगने वाला है। तो इस चीज़ का कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखें। जो रीट का एग्ज़ाम जैसे हो रहा था
उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आशा है कि आपकी जो सारी संभावनाएं, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी संदेह हैं, वो सब दूर हो गए होंगे। और जो सीरियस अभ्यर्थी है, जो वास्तव में अपना चयन करवाना चाहते हैं, वो जी जान से अभी अपनी तैयारी को शुरुआत कर दें, कंटिन्यू अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो 4-5-6 महीने बाद तक आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। और पिछले वर्षों में जो कट ऑफ है, लास्ट ईयर की भी कट ऑफ आपने देखी है, अब वो जमाने गए जब कट ऑफ न्यूनतम में भी सिलेक्शन हो जाता था। जो कट ऑफ है अब वो सभी सब्जेक्ट की काफ़ी हाई जाती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तब जाकर के सिलेक्शन होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और साइकोलॉजी के लिए जो रीट की वीडियो बना रखे हैं, आप उनको बार बार देखिएगा, सैकड़ों बार देखिए, उनमें बहुत कुछ है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपका कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, उसको किसी वीडियो में जो है वो सॉल्व कर देंगे। और नहीं तो यहाँ जो अगर आप बताएंगे और उसका यहीं समाधान होगा तो यहीं बता देंगे आपको कमेंट में। इनके अलावा अगर कोई डाउट हो तो, जो चीज़ें यहाँ क्लियर की है इनके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।